आप साइड से एक DKL स्पेशल कोल ट्रेन आ रही है, DKL दाऊद खेल स्टेशन का कोड है, यानी कि दाऊद खेल स्पेशल कोल ट्रेन GU409030 के साथ अभी पिछले फाटक पे आ चुकी है। तो मैं भागता हुआ आया हूँ इसको कैप्चर करने के लिए, यानी कि पहले ये ट्रैकिंग ऐप पर शो हो रही थी जिसका क्रॉस हुआ है 128 डाउन के साथ गुरमानी स्टेशन पर, फिर अचानक से ये इसका जो है ना ट्रैकर, वो इसकी चिप जो है ट्रैकर चिप वो हिल गई है, पता नहीं क्या हुआ है। तो ट्रैकिंग ऐप पर आना ये जो है ना लाइव लोकेशन इसकी बंद हो गई है। मैंने सोचा शायद 129 का वे भी गुरमानी स्टेशन पर होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ट्रेन को गुरमानी स्टेशन से चलाया गया। फिर फाटक वाले भाई ने मुझे कॉल की कि ट्रेन आ गई, फिर मैं भागता हुआ आया हूँ। तो ट्रेन के लिए सनावा स्टेशन के जो होम सिग्नल हैं वो अप हैं अभी, डेंजर है सिग्नल यानी के, तो देखते हैं फिर क्या बनता है। लेकिन अक्सर जो वीडियो मैंने बनाई है हमेशा ऐसा ही होता है कि जब ट्रेन बिल्कुल करीब आती है सिग्नल जो है वो डाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो आज देखते हैं कि ऐसा ही होता है या क्या बनता है, ठीक है। अभी ट्रेन फाटक के करीब अप्रोच कर रही है, काफ़ी स्पीड से आ रही है, देखते हैं फिर GU409030 के साथ दाऊद खेल स्पेशल कोल ट्रेन। और ये सेम लोकोमोटिव जो है वो कराची से आ रहा है इस ट्रेन के साथ दाऊद खेल तक जाएगा, और ट्रेन के साथ कोचेस तकरीबन मेरे अंदाज़े के मुताबिक लगी हुई होंगी 35, तो कंफर्म। सिग्नल आज भी डाउन हो गया है, हमेशा ऐसे ही होता है, एंड टाइम पर भी सिग्नल डाउन हो जाता है। तो अब थोड़ा साइड पे होते हैं, ट्रेन करीब आ चुकी है। आज डेट है 17 सितंबर 2024, टाइम हो गया सुबह के 8:10, 129 महमूद कोट पहुंच रही है। वैसे इसका वे सनावा में भी हो सकता था, लेकिन लूप लाइन ख़राब है सनावा स्टेशन की, इस वजह से फिर इसको थ्रू कर रहे हैं। 9:30 भी तकरीबन 1.5 साल के बाद मेरे अंदाज़े के मुताबिक आ रहा है सनावा साइड पर। तकरीबन 40 की स्पीड से पास हुई है दाऊद खेल स्पेशल कोल से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टाइम हो गया सुबह के 7:45 और 128 डाउन का 45 मिनट लेट सनावा स्टेशन पर अरेवल हो रहा है HPU 2807 लोकोमोटिव के साथ, और मैं 128 डाउन को आज कैप्चर करने लगा हूँ वहीं पुरानी लोकेशन से, यानी किलोमीटर नंबर 55/5 से। तो ट्रेन अभी सनावा स्टेशन पर अराइव कर रही है। तो 128 डाउन के आज लेट होने की वजह है जी, इसका जो पावर प्लांट है वो जो है वो ख़राब हो गया था कल रावलपिंडी से ही, यानी कि जब ट्रेन रावलपिंडी से चली है तो इसका पावर प्लांट जो है वो जवाब दे गया, यानी कि ख़राब हो गया है। तो फिर पावर प्लांट जो है वो चेंज किया गया, जिसकी वजह से ये तकरीबन 1.5 घंटा लेट हो गई थी। उधर से रावलपिंडी से कुंदिया तक जो ड्राइवर आए हैं उन्होंने थोड़ा टाइम कवर किया है, यानी कि जो लेट थी उसको जो है ना थोड़ा टाइम निकाल लिया है उसमें, फिर यानी कि 25-30 मिनट उस ड्राइवर ने निकाल दिए। और फिर आगे कुंदिया से मुल्तान तक जो ड्राइवर अब 128 डाउन पे आ रहे हैं कुछ टाइम इन्होंने निकाला है, यानी कि थोड़ी ओवर स्पीडिंग की होगी ना,
तो इस तरीके से फिर जो है ना, आप ट्रेन सिर्फ 45 मिनट लेट है, पहले 1.5 घंटा लेट थी। तो अब 7:48 पर इसका डिपार्चर होगा सनामा स्टेशन से। डिपार्चर विसल फिर इसका सुनते हैं, 80-76 के साथ पासिंग फिर देखेंगे 55/5 किलोमीटर नंबर से। और आज डेट मैंने आपको बताई 18 सितंबर 2024 टाइम 7:45। तो 128 डाउन जो है वो हम थोड़ा साइड से होकर देखेंगे। और 129 जो है वो मुजफ्फरगढ़ पहुंच चुकी है। आज इन दोनों ट्रेनों का क्रॉस जो है महमूद कोट में होगा, और एक गुड्स ट्रेन भी गुरमानी स्टेशन पे रुकी हुई है अभी 128 डाउन के लिए, जी U49030 के साथ। तो 128 डाउन की पासिंग फिर देखते हैं साइड से होकर, इस साइड से, यानी कि जैसे जो है सारी ट्रेन क्लियरली आती हुई नज़र आती है। ये सीन थोड़ा अच्छा लगता है मुझे, इस वजह से वीडियो में फिर ऐसे ही बनाता हूँ। दाऊद खेल स्पेशल कोल ट्रेन है जिसको गुरमानी रोका गया क्योंकि सनामा में लूप लाइन ख़राब है, वरना फिर उसका क्रॉस इधर ही होता। अब उसके लिए मुझे ठहरना पड़ेगा, 128 डाउन के बाद वो चलेगी।